पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यूज एटीनचे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची खास मुलाखत घेतली न्यूज एटीनला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक विषयांवर परखड भाष्य केलं या मुलाखतीत त्यांनी उत्तर प्रदेशची निवडणूक देशातील सद्य परिस्थिती आपलं सडेतोड मत त्यावर अमित शहानी व्यक्त केलं सध्या गाजत असलेला हिजाब वादाचा मुद्दा तसेच हिजाबवाद पेटवणार यांनाही त्यांनी या मुलाखतीतून खडे बोल सुनावले क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम मुसलमान औरतों लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है क्या रिलीजियस राइट uh, right जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में मतलब स्कूल्स में इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए वो ओवरराइट कर सकती हैं देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है कोर्ट ने अभी स्टे दिया है कोर्ट सुनवाई कर रही है अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना हो तय करना पड़ेगा मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए सब ने इसको स्वीकार परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहाँ पढ़ाई लिखाई। देखिए कोविड के पास जो बात जो परिस्थिति हुई है इसमें विश्व भर के अंदर महंगाई है कुछ मात्रा में यहाँ पर भी है परंतु मोदी जी ने इसको बहुत नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करी और एक टेम्पररी फेस है मोदी सरकार के साढ़े सात साल का कालखंड देख लीजिए छह साल तक महंगाई को हमने नियंत्रित कर रखा है कोविड के आने के बाद वैश्विक स्थिति जो हुई है विश्व के बाजारों की आज कोई भी चीज विश्व से आती है वो इतनी महंगी होकर आती है इसका रिफ्लेक्शन यहां पड़ता ही है परंतु तो ये टेम्पररी फेज है ज्यादातर तो अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी तो आप देखिए 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी जी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं और दूसरा जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं ढेर सारे कंसिड्रेशन होते हैं कौन आया है कहाँ से आया है, कुछ मालूम नहीं है सब लोग संभल कर बोलते हैं चुप कर जाते हैं और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है गन्ना चीनी गेहूं आलू हरी मटर आम आंवला और दूध इस सब में देश में नंबर वन बना है जो पांच साल पहले किसी भी चीज में नहीं था अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे भैया हम तो नहीं भटक रहे आप इसका जवाब दो आपके समय में गन्ने का प्रदेश होने के बावजूद भी क्यों नंबर वन नहीं थे दूध का उत्पादन इतना ठेठ पानी होने के बावजूद भी क्यों नंबर वन नहीं थे गेहूं में क्यों नंबर वन नहीं थे आप बताओ क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया था और हमने ढेर सारा गेहूं दलहन चावल सब चीज में उत्पादन को बढ़ाया है और बहुत बड़ा भुगतान भी किसानों को किया